बेसन की कढ़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम हरे चनों की और बेसन की मिक्स कढ़ी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो हरे चने और जो बेसन है उसकी अगर कढ़ी बनाएंगे तो काफी स्वादिष्ट बनेंगे, और स्वास्थ्य के लिए जो हरे चने होते हैं वो काफी फायदेमंद होते हैं। इससे जो विटामिन ए है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हरे चने लिए हैं, तो आप मार्केट से मिल जाते हैं आराम से हरे चने, और उनको मैंने, ये आप देख सकते हैं सामने, मैंने उबाला है इनको अच्छी तरीके से। तो मैंने गैस पे, चूल्हे पे इनको उबाल लिया है गर्म पानी के अंदर, और उसके बाद में इनको एक प्रकार से ये लड्डू के आकार का बन गया है, मतलब चिपक गया है, क्योंकि इसमें पानी का तो अवशोषण हो ही जाता है। तो इसको एक जगह बर्तन में रख लिया है। अब इसके अलावा हम इसमें जो सामग्री यूज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको। कढ़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमने बेसन लिया है लगभग 100 ग्राम, ये लगभग आधा लीटर से थोड़ी ज़्यादा मैंने छाछ ली है, और ये देसी छाछ है, नहीं ये थैली वाली छाछ है। तो आप चाहो तो थैली वाली छाछ का भी यूज कर सकते हो, या फिर देसी छाछ का भी यूज कर सकते हो। लगभग 2.5 चम्मच है मैंने सरसों का तेल लिया है यहाँ पे, 1.5 चम्मच के लगभग हरा धनिया लिया है, हरा धनिया ज़्यादा लेते हैं इसमें जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, आधा चम्मच से थोड़ा कम ये हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच के लगभग मिर्ची पाउडर लिया है, ये नमक लिया है स्वाद अनुसार, ये 8-10 कलियाँ लहसुन की ली है, इनको पीस करके मैंने मोमदस्ते में पेस्ट बना लिया है। अब ये देखिए इसको उबालते हैं, उबालने के बाद में अब इसको फ्राई करेंगे। तो चलते हैं गैस चूल्हे की तरफ। इस कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल डाला है, इसको गर्म करेंगे थोड़ी देर, और साथ ही इसके लिए मैंने जो मैं भूल गया था, हरे प्याज भी मैंने लिए हैं, ये थोड़े से हरे प्याज काट लिए मैंने। जब तक ये हमारा तेल गर्म होता है, हम जो बेसन है उसको छाछ में घोल लेंगे। ये बेसन इस छाछ में मिला देता हूँ मैं, और इस प्रकार हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करना है इसको इस प्रकार से। आप चाहो तो किसी चीज़ की जो चिमटा वगैरह होता है, या फिर कोई अन्य कोई साधन होता है चम्मच वगैरह, उससे भी इसको मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं हाथों से यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी ये मिक्स हो गया है तो अब इसको छोड़ देंगे साइड में। जो हमारा तेल गर्म हुआ था उसमें मैंने जीरे जीरा डाल दिया है, इसको पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक। और ये मसाले का पेस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है, जो हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, धनिया पाउडर, जो लहसुन था उसको एक जगह इकट्ठा करके इसमें पानी में मिक्स कर लिया है। ये इसलिए किया कि ताकि आसानी से पक सके एक ही फ्लेम पे। अभी जीरा गर्म हो गया है तो इसमें जो हमारा पेस्ट मसाला है वो इसमें डालेंगे सबसे पहले। इस मसाले को पका लेंगे थोड़ी देर पहले, मसाले को पकाना जरूरी है वरना ये कच्चा रह जाएगा। एक बार इसको टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ये फ्लेम पे, कम फ्लेम पे आसानी से पक सके। अब इसमें जो हमने बेसन मिली हुई छाछ थी वो इसमें डाल देंगे मसाले के अंदर, और इसको पकाएंगे और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे फ्लेम में। लगातार चम्मच से इसको घुमाते रहेंगे, और ऊपर से आप जो हरे चने थे जिसको हमने उबाला था वो इसमें डाल देंगे। हरे चनों से जो हमारी कढ़ी है वो काफ़ी स्वादिष्ट बैठती है, तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा घर पे एक बार। खाने में तो स्वाद होती है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। अब इसमें जो हरे प्याज हमने लिए थे मैंने बताया था वो इसमें डालेंगे। अब इसको लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे, हाई जो फ्लेम है उसको हमने बढ़ा दिया है। तो 10 मिनट के बाद में हमारी जो कढ़ी है, हरे चने की कढ़ी, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमारी हरे चने की और बेसन की शानदार कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इस पे भाप भी अभी भी आ रही है, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये कैसा लगा तरीका आपको कमेंट बॉक्स में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि रोज़ आपको नई नई रेसिपीज घर बैठे मिल सके। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।